आज की तारीख में नेपाल का चीन के साथ दोस्ताना आसमान छू रहा है, मगर नेपाल के नाक के नीचे चीन साजिशें बुन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद नेपाल को चीन से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ निगलना जानता है। दरअसल नेपाल सरकार ने ऐसे 11 जगहों की पहचान की है जिस पर चीन सरकार ने कब्जा कर लिया है। जानिए नेपाल के किन इलाकों पर चीन ने किया है कब्जा। नेपाल के हुमला जिले के भागडेर खोला के 6 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा। इसी जिले के करनाली नदी के 4 हेक्टेयर जमीन, रसुआ जिले के सिंझेन खोला के 2 हेक्टेयर जमीन, इसी जिले के भुरचुक खोला का 1 हेक्टेयर जमीन, रसुआ जिले के ही लमड़े खोला की जमीन, इसी जिले के जम्बू खोला की 3 हेक्टेयर जमीन, सिंधु पलचोक जिले के खरने खोला का 7 हेक्टेयर जमीन, इसी जिले के भोटसे कोसी की 4 हेक्टेयर जमीन, संखुआ सभा जिले के समझुंग खोला की 3 हेक्टेयर जमीन, इसी जिले के कम खोला की 2 हेक्टेयर जमीन और इसी जिले के अरुण नदी की 4 हेक्टेयर जमीन पर चीन का कब्जा है। यानी 7 जिलों के 11 जगहों पर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। नेपाल पर बढ़ते चीन के प्रभाव से ओली सरकार पर बेहद दबाव है और यही वजह है कि जनता का ध्यान हटाने के लिए नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद को बिना मतलब तूल पकड़ा दिया है। फिलहाल चीन के कारनामे पर ओली सरकार चुप है। ऐसे में नेपाल के 3 सांसदों ने संसद में प्रस्ताव पेश कर चीन से लगी सीमा पर कई बॉर्डर पिलर गायब होने और 64 हेक्टेयर नेपाली जमीन के चीनी कब्जे में जाने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, सीमा के कई इलाकों में सरहद की लकीर को बदलकर कई गांवों को अपनी जमीन में मिलाए जाने की शिकायत करते हुए सांसदों ने सरकार से इस मामले को उठाने को कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है और उसको सारे के सारे खोट भारत में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नेपाल के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत नेपाल से जितना करीब है उतना करीब चीन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेपाल की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से स्थितियां दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है।